दस गुरु साहिबान ने 239 साल दे अपने अमली जीवन सदका सिख दे इखलाकी आत्मिक ते अध्यात्मिक जीवन विच सरपक्षी उच्चता दी बख्शिश कीती डंडी। श्री गुरु नानक देव जी ने मनुख नू वंड छकण किरत करन ते नाम जपण दा उपदेश दिता। गुरु अंगद देव जी ने उस विच आग्याकारता भरी। नताणिया दे ताण ते नमाण्या दे माण। तीजे सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी ने ऊच नीच दियां दवारा तोड़ के संगत पंगत दी प्रथा द्वारा मनुखी बरादरी नू बराबरी दा अमली संदेश दिता डंडी। गुरु रामदास जी ने सेवा ते सिमरन नू सिख विच संचित करके उस नू दूजे प्रति हमदर्दी भरिया विहार करन दी जाच दसी डंडी। बाणी दे बोहित ते शांति दे पुंज पंचम पिता श्री गुरु अर्जन देव जी ने अपनी शहीदी दे के मनुख दी हस्ती विच स्वै त्याग ते कुरबानी दा जज्बा उभारिया डंडी। गुरु हर गोबिंद साहब ने इंसाफ पसंदी दा सबक पढ़ाया ते गुरु हर राय साहब ने तरस ते दया वर्गे दैवी गुणा दा वरदान दिता डंडी। अठवें बाल गुरु श्री गुरु हर कृष्ण जी महाराज ने छोटी जही उम्र विच ज्योति जोत समाउण तो पहला सानू अपना रहनुमा चुन दा वल सिखाया अते नौवें गुरु तेग बहादुर साहब ने अपने प्राणा दी आहूति दे के सानू ठंडा सुभा रखण दुख सुख विच एक समान रहन ना किसे तो डरन ते ना किसे नू डराउण ते हर हालत विच मानसिक शांति नू परम श्रेष्ठ अवस्था विच रखण दे वड मुल्ले उपदेश दे के कौम दी शख्सियत नू संतुलित रखदिया होया दूजे दे हितां लई आपा वारण दी भावना नू सुदृढ़ कीता डंडी। सरबंस दानी दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने तां कमाल ही कर दिते। सिख नू सिंह ते फिर खालसे दी उपाधि नाल सजा के उसनू अपने बराबर खड़ा करके संत सिपाही बना दिता अते बाद विच उस नू जुगो जुग अटल शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब दे लड़ ला के अपनी आत्मा ग्रंथ विच ते शरीर पंथ विच समो दिता डंडी। उपरोक्त लसानी विरसे दा धारनी होण कारण सिख कथनी ते करनी दा सूरा ते दया ते इंसाफ दी मूर्ति ना को बैरी ना ही बगाना दी भावना दा अलंबरदार है। तद ही ओ दिन रात अरदास समय सरबत दा भला मंगदा है डंडी। सिख तीर्थ सब ले खुले हन लंगर सब ले सांझा है पंगत विच सब एक समान हन ऊच नीच जात पात दी सोच रखण वाला सिख गुरु नू नहीं पौंदा डंडी।